हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आर ट्रिप पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इसमें बात करने वाले हैं जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे होता है, जिससे कि दोस्तों स्कॉलरशिप वगैरह में और भी बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने में जो है ये जाति प्रमाण पत्र जो है उसमें लगता है, आपको अपलोड करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे आप खुद से जाति निवासी आय अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं जाति का बताऊंगा, और आय का तो मैं पहले मैं बता चुका हूँ, और निवासी का भी मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ। इस वीडियो में आप जाति का बताऊंगा कैसे ऑनलाइन आय अप्लाई आपको करना है, और बाकी निवासी और आय का जो मैंने प्रोसेस बताया वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप देख के अप्लाई खुद से कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो फॉर्मेलिटी है और फॉर्म वगैरह है वो सारा चीज आपको करनी होगी, बाकी आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में न्यू हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना होगा, jharseva.jharkhand.gov.in इसका URL है। और इस वेबसाइट में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है आपको लॉग इन करना होगा। अगर आपके पास आईटी नहीं है तो आप यहाँ रजिस्टर सेल योर सेल्फ पे क्लिक करके जो है आप अपना यहाँ पे एक रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कैसे करना वो उसके लिए पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, वो वीडियो देख के आप उसमें देख सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आसान है। यहाँ पे आप नाम भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, पासवर्ड क्लिक करेंगे, अपना स्टेट डालेंगे, ये कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका जो यहाँ पे आईडी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद अपना जो यहाँ पे ईमेल आईडी, जो भी आपने लॉगिन आईडी रखा था, अगर ईमेल आईडी रखा तो ईमेल आईडी डालेंगे, अगर दूसरा कुछ रखा था वो यहाँ पे आप लॉगिन आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आप लोग को आगे दिखाता हूँ। जैसे अपना आईडी लॉगिन करेंगे तो इस तरफ से आपका डैशबोर्ड यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइड में आपका नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ सर्विसेज जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे इसे क्लिक करेंगे नीचे आएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो सर्विसेज है वो सर्विसेज का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको सर्च करना है और यहाँ पे CASTE कास्ट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कास्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड पेज पे चले जाना है। यहाँ पे जैसे पहला पेज में रहेगा और सेकंड पेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, EBC 1 एंड BC 2। ये जो है दोस्तों यहाँ पे EBC 1 एंड BC 2 ये होगी आपका BC 1 BC 2 के लिए। अगर आप BC 1 BC 2 कास्ट कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको ये दूसरा जो है यहाँ पे नंबर पे आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर आप ST हैं, ST से आप अप्लाई करना चाहते तो यहाँ पे पेज नंबर 1 में आप यहाँ पे देखेंगे, सीरियल नंबर 9 में आपको दिखेगा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्रिप ST, यानी ये इस पे आपको क्लिक करके आपको ST के लिए अप्लाई करना है। अगर आप SC हैं तो आपको पेज नंबर 3 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 23 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट SC, यानी इसमें आपको जाके आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं OBC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है 15 नंबर में जो है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2 इस पे आपको क्लिक करना है। तो उसी तरह से आप जिस पे करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म जो ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म तो सबसे पहले आपको ऊपर में एप्लीकेशन टाइप नॉर्मल और तत्काल दो रहता है, तो आपको नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि तत्काल से सिलेक्ट करेंगे तो आपको फिर CO वगैरह से आपको लिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है पूरा नाम डालना है, यहाँ पे अपना जो है जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर हो। उसके बाद यहाँ पे अपना जन्म तिथि डालना है, DOB अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं, आप डाल भी सकते हैं, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। रिलीजन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे अपना रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है, EBC 1 है या BC 2 है। ये BC 1 BC 2 ये BC लिखा जाता है, तो आपका जो भी हो BC 1 BC 2 वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जाति आपको कौन सा आता है वो अपना जाति यहाँ पे आपको यहाँ पे खोज यहाँ पे ढूंढना है और उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको जाति सही से सिलेक्ट करना है। अगर आपको जाति अपना पता नहीं है तो अपना फैमिली वगैरह में पूछ सकते हैं, पूछ के यहाँ पे आप उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पिता की जाति यहाँ पे पूछा जा रहा है, पिता की जाति क्या है वो यहाँ पे आपका जो 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 यहाँ जाति है वही जाति यहाँ पे आप डाल देंगे, क्योंकि दोनों का तो सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम डालना है, फादर नेम। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम डालना है। मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे आपको एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप करना है, जो भी आपको एड्रेस हो वो परमानेंट यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे विलेज टाइप करेंगे, यहाँ पे परमानेंट मतलब कोई एट आपको डालना है, यानी कि विलेज पोस्ट PS डिस्ट्रिक्ट ये डाल देना है, यहाँ पे स्टेट पूरा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज डाल देना है।
कंट्री यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट रहेगा, स्टेट यहाँ पे झारखंड आपका सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, उसके बाद सब डिविजन सेलेक्ट करना है, सर्किल सेलेक्ट करना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ आपको टाइप करके लिखना है, पुलिस स्टेशन भी आपको टाइप करके लिखना है, उसके बाद आपका मोहल्ला टोला जो भी हो यहाँ पे वो आप टाइप कर देंगे, पिन कोड टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन में आपको यहाँ पे जो अगर आप गाँव से आते हैं तो यहाँ पे आपको रूरल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको ब्लॉक ग्राम पंचायत और विलेज सेलेक्ट करना है। अगर आप टाउन में है तो म्यूनसिपलिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको नगर पंचायत आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका वार्ड आ जाएगा, कुछ वार्ड से आप आते हैं यहाँ पे सारा वार्ड रहेगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर प्रेजेंट एड्रेस आता है, अगर आप परमानेंट और प्रेजेंट दोनों अलग है तो दोनों अलग डालें, अगर सेम है तो आपको यहाँ पे सेम आपको डाल देना, यहाँ पूरा विलेज पोस्ट पीएस डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये टोटल डालना है, फिर यहाँ विलेज कंट्री यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस और पिन कोड। और यहाँ पे याद रखें दोस्तों, यहाँ पे स्टेट जो सेलेक्ट करने के लिए सारा स्टेट आता है, तो ऐसा नहीं कि आप दूसरा स्टेट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है झारखंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे झारखंड ही सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं वहीं पे आप रहते हैं तो फिर आप यहाँ पे जो है दूसरा स्टेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है यस टी डिक्लेरेशन में यस ही टिक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे अपना डिटेल्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो है आप म्यूनसिपलिटी या फिर रूरल यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है आपका जो अप्लाई टू द ऑफिस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा लोकेशन टाइप, यहाँ पे लाइन डिपार्टमेंट आपको क्लिक करना सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कर्मचारी यहाँ पे आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद डिवीजन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आपका डिवीजन है। यहाँ पे आपको 5 डिवीजन देखने को मिलेंगे, दुमका हजारीबाग कोलान पलामू और रांची, जो भी डिवीजन हो आपको वो डिवीजन सेलेक्ट करेंगे अपना। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा कि डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सर्किल सेलेक्ट करना है कि सर्किल कौन सा है आपका, वो सर्किल यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट ऑफिस, तो यहाँ पे ऑफिस यानी कि हल्का आता है कि हल्का किस हल्का के अंदर आप आते हैं, वो हल्का यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको जो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है, एक कैप्चा डाल के यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जो आपने फॉर्म फिलअप किया वो यहाँ पे आपको दिखेगा, वो टोटल आपको यहाँ ऊपर से नीचे तक वेरीफाई करना है कि वो सही है कि है या नहीं, पूरा यहाँ पे डिटेल आपको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि गलत है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सारा चीज सही है तो अटैच एनेजर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अटैच एनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपना सब जो है यहाँ पे सबमिट करा जा रहा है यानी कि अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको देख सकते कई सारे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको मांगा जा रहा है प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे और भी अदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट वोटर कार्ड और यहाँ पे सर्टिफाइड इलेक्टोरल पैन कार्ड। तो यहाँ पे आपको बेस्ट होता है कि वोटर आईडी कार्ड डालें या फिर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे आप अपना जो है जमीन का जो पर्चा होता है वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस आता है, यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड यहाँ पे आपको डालना है, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आता है, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपको आधार कार्ड डाल देना है, या फिर आप राशन कार्ड भी डाल सकते हो, ऑप्शन में है, वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट आता है, तो इसमें आपको जो है यहाँ पे आपको खतियान ही डालना है, ये सब आपको यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन आपको यहाँ पे खतियान पे सिलेक्ट करके खतियान यहाँ पे आपका जो पर्चा है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे यूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपको फाइल है वहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ आता है, इसमें आपको जो है यहाँ पे आधार कार्ड का सेक्शन मिलेगा, ये आधार कार्ड आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आएगा, तो इसको आपको यहाँ पे आपको जो फॉर्म रहता है वो फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो फॉर्म आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं ये फॉर्म है, इसी तरह से फॉर्म आपका रहेगा। यहाँ पे आपको जो ये फॉर्म फिलअप करना होता है, फोटो चिपकाना होता है, यहाँ पे आपका भंसावली बनता है, जो आपका खानदान का भंसावली रहता है वो भंसावली बनता है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहता है, और यहाँ पे जो आपका वार्ड मुखिया जो भी सदस्य हो, वार्ड पार्षद वगैरह जो ग्राम पंचायत मुखिया होता है जो भी होता है आपके जो नजदीक में हो उससे आप यहाँ पे सिग्नेचर मोहर करा सकते हैं, और यही फॉर्म आपको अपलोड करना, इसी को यहाँ पे शपथ पत्र बोला जाता है और जो है सेल्फ डिक्लेरेशन बोला जाता है, उसी को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट आता है, यहाँ पे आपको जो अपना जो जमीन का जो लैंड रेजिडेंस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके जमीन का जो आपका जो यहाँ पे अपने खतियान जो पर्चा आपने अपलोड किया है उसी का रसीद, यहाँ पे जो प्रधानी रसीद होता है वो आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना है यहाँ पे सेलेक्ट करके। तो ये दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका खतियान है यानी कि पर्चा
और उसका जो रसीद जो प्रधान रसीद होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं क्या, नगर पंचायत का जो रसीद दे देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, वो आपको यहाँ पे नहीं देना है, आपको जो है प्रधानी रसीद देना है। प्रधानी रसीद जो है अलग से जो कटता है और ऑनलाइन ही करता है, वो कैसे करता है कहाँ से करता है उसके रिगार्डिंग मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब वहां से क्लिक करके अपना जो है ऑनलाइन जो है अपना जमीन का जो है रसीद यानी प्रधानी रसीद को आप निकाल सकते हैं। वह सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एनेजर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एनेजर पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने जो फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, इसको फिर से आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर भी अगर लगता है आपको कहीं मिस्टेक हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे आप कैंसिल करके इसको फिर से जो है आप सबमिट कर सकते हैं। आपको आपको लग रहा है सारा चीज सही है, तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे जो है आपका एक्नोलेजमेंट स्लिप जो है, वो पावती जिसको बोलते हैं, वो आपके सामने जो यहाँ पे जो है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको जो है प्रिंट कर सकते हैं, अगर प्रिंट की सुविधा आपके पास है तो, नहीं तो आप पीडीएफ पे सेव करके यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ में इसको सेव करके रख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं नीचे डाउनलोड हो गया आपके सामने, उसी तरह से आपका जो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, इसको सेव करके आप रख सकते हैं। ये जो है आपका जो 1 महीने के अंदर जो आपका जो जाति बन जाएगा, अगर नहीं बनता है तो आप अपने जो है जो ब्लॉक से वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से जल्दी आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों ये था प्रोसेस जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का, आप आसानी से खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।